नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। योग गुरु रामदेव इस बार फिर चर्चाओं में हैं। रामदेव इस बार अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में एक धर्म सभा को लेकर संबोधित करते हुए इस्लाम और मुसलमानों पर विवादित बयान दिया है। मुसलमान से पूछो थारो धर्म की क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो फिर जो मनमा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठा के लाओ, जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया गया, बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो और जो मनमाए वो करो। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी होता है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी किया जा सकता है, सब जायज होता है। रामदेव ने आगे कहा कि चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनो, जो मन में आए वो करो, पर 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ो। इसको लेकर स्वामी रामदेव चर्चाओं में हैं और विवादित बयान को लेकर वाल पलटवार का दौर जारी है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए रामदेव ने आगे कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब सिर्फ नमाज है, उनको यही सिखाया जाता है, जो भी करना है करो, पर 5 टाइम जो है नमाज वो जरूर अदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है, उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो और मूछे कटवा लो और दाढ़ी बरा लो और टोपी पहना लो। आगे अपने बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के लोग ऐसा कह रही हैं। रामदेव ने आगे ईसाई धर्म पर बोलते हुए कहा कि दिन में चर्च जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। बाबा रामदेव ने फिर अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी भी आलोचना को नहीं बरगलाना चाहता, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई कहता है कि योग गुरु रामदेव के इस्लाम और मुसलमानों पर दिए बयान पर बवाल मच गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जहां रामदेव के बयान को आलोचना कहा, तो वहीं सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि बाबा रामदेव को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। तो सपा समर्थक शफीकुर रहमान भी इसके इस बार पलटवार दौर में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बयान से फायदा होगा, वो लोगों को धोखे में लाकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं और 2024 चुनाव में जीत दिलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बर्क ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो इस बार भारत जोड़ो यात्रा में मेहनत की है, उससे बीजेपी को सख्त हो जाना चाहिए और वो बीजेपी के लिए खतरा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाबा रामदेव के बयान पर सियासत तेज है, कल किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। आप सभी से वार्तालाप होता रहेगा। धन्यवाद।